रूस से लड़ रहे यूक्रेन का समर्थन जर्मनी जारी रखेगा। यह बात जर्मनी के चांसलर ओल्फ सुल्ज ने कही है, लेकिन यूक्रेनी सेना के लिए जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक भेजने के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ब्रिटेन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने जर्मनी से यूक्रेन को टैंक भेजने का अनुरोध किया है। इन देशों ने यह अनुरोध शुक्रवार को सहयोगी देशों की बैठक में यूक्रेन को टैंक भेजने पर सहमति न बन पाने के बाद किया है। जम्मू में कठुआ जिले के हीरानगर से कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हीरानगर से सुबह 7 बजे यात्रा रवाना हुई। शनिवार को नरवाल में हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के साथ एक नई पहल की शुरुआत के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं। वहां 31 जनवरी को उनकी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलुबिन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की पहली बातचीत होगी। तमिलनाडु के किलविथ में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। यह क्रेन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। क्रेन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 94 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 118 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,33,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पंजाब में रविवार को कई जगह पूरे दिन धूप खिली रही, जबकि हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 जगह बर्फबारी हुई। बर्फबारी कृषि और बागवानी के लिए अच्छी बताई गई है। शीतलहर से 7 शहरों में तापमान 0 से नीचे चला गया। हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 252 सड़कें अब भी बंद हैं। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया रिपब्लिक डे के मौके पर एक सेल लेकर आया है। इस रिपब्लिक डे सेल में एयर इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैवल की टिकटों पर भारी डिस्काउंट ऑफर दे रही है। एयर इंडिया ने अपनी इस सेल का नाम फ्लाई सेल रखा है। इस सेल में आप सिर्फ 1,705 रुपये में भी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 244वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेक्सेंस 288.18 अंक यानी कि 0.48% ऊपर 60,909.95 के स्तर पर खुला।